हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ बताऊंगा। आज सपोज हमारा स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आप सभी को पता होगा, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, मैं इसमें आज आपको टॉप 5 सेक्टर्स बताऊंगा जो आने वाले 3 सालों में चलने की संभावना रखेगा। पहला तो दोस्तों आपको पहले ये समझना चाहिए कि आज आपको पता होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और इवन अपना सेंसेक्स तीनों ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जैसा कि हमने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि मार्केट गिरे तो आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को बंद मत कीजिए, उसको तेजी से और स्टार्ट कीजिए। तो वैसे ही दोस्तों आज हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं आपको दोबारा कहूंगा कि आज अपने इन्वेस्टमेंट को रोकिए मत, पर उसको उसी स्पीड से चलने दीजिए। बट कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, कैसे इन्वेस्ट कीजिए और कौन से सेक्टर में कीजिए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला सेक्टर जो मुझे दोस्तों लगता है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है वो है इंश्योरेंस सेक्टर, पॉइंट नंबर 1। तो इंश्योरेंस सेक्टर क्या है दोस्तों, आपको पता है इंडिया में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 10% से भी काफ़ी कम है। तो अभी दोस्तों ये डबल डिजिट में भी नहीं गई है। तो हम लोग को इंडिया में अभी जो मेन प्लेयर है इंश्योरेंस सेक्टर का, जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट सेक्टर प्लेयर 3 ही हैं, HDFC, ICICI और SBI। तो 3 मेन प्लेयर हैं जिनका अभी दबदबा है इंश्योरेंस सेक्टर में। आने वाले टाइम पे दोस्तों मुझे लगता है इंश्योरेंस सेक्टर में ज़बरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है। तो दोस्तों आज ही अपने पोर्टफोलियो में एक इंश्योरेंस का शेयर जरूर से ज़रूर इसी टाइम पे ऐड करें। दूसरा सेक्टर जो मुझे बहुत ही आने वाले टाइम पे अच्छा लग रहा है वो है दोस्तों एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम 2 कंपनियाँ हैं, दोनों फैंटास्टिकली अच्छा कर रही हैं स्टॉक मार्केट में। एक है निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि पहले रिलायंस ग्रुप की थी, जिसको अभी मर्जर के बाद एक्विजिशन के बाद जापान की निपॉन ग्रुप ने खरीद लिया है। और दोस्तों दूसरी जो कंपनी है एसेट मैनेजमेंट में वो HDFC AMC। तो मेरे हिसाब से आज इन दोनों स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों जो तीसरा स्टॉक है, जो तीसरी कंपनी है जिसको आज ही अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो में ऐड करें, वो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का। तो इंडिया में अभी भी बहुत सारी लिमिटेड कंपनियां जिनका जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से ICICI लोम्बार्ड जैसी एक कंपनी है, वैसे ही जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन दूसरी कंपनी है, वैसे ही तीसरी कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो ऐसे कई सारी स्मॉल कंपनी है जो कि लिस्टेड है, तो आने वाले टाइम पे इनकी भी वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन आज बिजनेस का ICICI लोम्बार्ड के पास है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी आज ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। चौथी कंपनी जो मुझे मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट है वो है दोस्तों आज के टाइम रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट सेक्टर आप सभी को पता होगा कि पिछले 10 सालों से ठंडा पड़ा है, बट मेरे हिसाब से अगर देश में सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो वो इंफ्रा और रियल एस्टेट पे कर रही है। तो रियल एस्टेट सेक्टर का रिवाइवल पॉसिबल है, क्योंकि बिना रियल एस्टेट के रिवाइवल के ये कंट्री का ग्रोथ आगे नहीं हो सकता। जैसे जैसे GDP बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, घर की डिमांड और नेसेसिटी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी अच्छी कंपनियां रियल एस्टेट में जो कि बाई की जा सकती हैं, जैसे कि DLF है, जैसे कि शोभा बिल्डर्स है, जैसे कि ब्रिगेड ग्रुप के हैं। तो ये सारे मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, फिर से मैं कहूँगा ये आपको मैं टाइप ऑफ कंपनी बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये चौथा टाइप था जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। और पांचवा आज के टाइम दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ऑटो सेक्टर में अगर आप देखिएगा स्लो डाउन का इस साल असर रहा है, तो मेरे हिसाब से आज ही अपने पोर्टफोलियो में एक ऑटो के शेयर को ऐड कर सकते हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कई सारी कंपनियाँ हैं ऑटो या ऑटो एंजिलरी में जो कि अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी नीचे चल रही हैं, जिनका बेहतरीन बिजनेस है, जैसे कि टाटा मोटर है, मदरसन सुमी है। ये सारी जो कंपनियां हैं इनका वैल्यू प्रोपोजिशन और वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पे एक्सपोर्ट बिजनेस का ज़बरदस्त हो सकता है। तो दोस्तों ये 5 तरीके का कंपनी आप अपने आज ही पोर्टफोलियो में ऐड करके 2020 का एक ज़बरदस्त शुरुआत करें और अपने पोर्टफोलियो को नए डायमेंशन के साथ स्टार्ट करें। अगर आपको दोस्तों कोई और सुझाव और सजेशन देने हैं तो हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।